नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। छत्रपति साहू जी महाराज विवि की वार्षिक परीक्षाओं में इस बार बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इसमें ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में 100 में से 75 प्रश्नों और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60 में 50 प्रश्नों को हल करना होगा। ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के सभी प्रश्न पत्रों में 25-25 यानी कुल 75 प्रश्नों को हल करना होगा। ये जानकारी कानपुर यूनिवर्सिटी जियोग्राफर्स एकेडमिक एसोसिएशन कोगा की ओर से आयोजित स्पेशल लेक्चर्स ऑन MCQ बेस्ड एग्जाम व्याख्यान माला में कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव ने दी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक निर्धारित किए जाएंगे। इस दौरान वक्ताओं ने MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर अपने सवाल किए, जिसका कुल सचिव ने जवाब दिया। कोरोना महामारी के बाद लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी जागरूक हुए हैं। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दिया है, साथ ही एक्सरसाइज कर अपनी बॉडी को फिट रखने की तरफ भी ध्यान दिया है। ऐसे में छत्रपति साहू जी महाराज इस आदत को बढ़ावा देने के लिए प्रोफेशनल तैयार कर रहा है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के 6 नए कोर्स आने वाले सेशन से शुरू कर दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किए जा रहे इन 6 नए कोर्स को सत्र 2021-2022 में शुरू किया जाएगा, जिसमें एडमिशन के लिए जुलाई में ही एडमिशन फॉर्म जारी होंगे। ऐसे पहली बार होगा जब शहर के छात्र फिजिकल एजुकेशन में भी अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। इस कोर्स को करने के बाद छात्रों को कॉलेजों, स्कूलों, हॉस्पिटल और कई अन्य सरकारी संस्थान में भी नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा यह कोर्स करने के बाद पर्सनल ट्रेनर के तौर पर भी अच्छा काम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।